हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक हमारी फ़्लाइट है सऊदी टू मुंबई, और ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट वन ईयर हम इंडिया गए नहीं हैं, हम पिछले एक साल से सऊदी में ही हैं। हमने सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई है, आज वो हम सब पैक करने वाले हैं। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ हमने किसके लिए क्या क्या खरीदा है। चलो तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 10 महीने के बाद इंडिया जा रहे हैं। 10 महीना कहाँ, 1 साल होने आ गया। तुम्हारे लिए तो 10 महीने ही हैं, तो 10 महीने के हिसाब से जा रहे हैं। तो ये सब सामान हमने कुछ लिए है लोगों के लिए। मिट्टू साइड में बैठ जाओ, शूज़ देखो बैठ के। ओके, बैठ में बैठ के शूज़ देखो सब का। हाँ, बाबू को भी ले लो। ठीक है, तो ये कुछ गिफ्ट्स थे जो ज्योति यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आई थी तो यहाँ के हमारे कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे, वो डिनर के लिए आए थे, तो उन्होंने हमें दिया था ये गिफ्ट। क्या है वो गिफ्ट में? तो एक ये जूस सेट है और एक डिनर सेट है। तो ये सऊदी कम मेक चाइनीज मटेरियल का है, चाइना मटेरियल है। तो ये हम लोग सोचे कि यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ले जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग 2 जन हैं तो कितना यूज़ होगा। इसके अलावा फिर हमने ये हमने कुछ शूज़ लिए थे जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का और मेड इन चाइना और मेड इन फिलीपींस मिल जाता है यहाँ पे। तो ये हमने अपने छोटी बहन के लिए शूज़ लिया है, उसके लिए। ये हमारी जो दीदी की लड़की है, मेरी भांजी है, उसके लिए एक शूज़ लिया है। ये मैंने पापा के लिए रनिंग शूज़ लिया, उन्हें जॉगिंग करना सुबह सुबह जाते हैं वो, तो उन्हें बहुत पसंद है, तो उनके लिए एक जॉगिंग शूज़ लिया है मैंने। और ये मेरे नीस है, उनके लिए लिया है मैंने 2 शूज़। दोनों ट्विंस हैं तो उनके लिए मैंने ये 2 शूज़ लिया है। अच्छे से रखिए ना। अच्छे से रखता हूँ। 2 शूज़ लिए हैं उनके लिए। तो ये शूज़ 2 ट्विंस का यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद मेरे जो भांजे के लिए मैंने शूज़ लिया है। यहाँ पे सबके लिए शूज़ लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी मिलती है वो अपने इंडिया में नहीं मिल पाती है, इसलिए मैंने ये शूज़ ज़्यादा प्रिफर किया है देने के लिए। इसके अलावा ये मैंने एक पर्स लिया है, अब ये जिसको पसंद आ जाए उसको देंगे हम। बहुत अच्छा क्वालिटी का पर्स है। लेदर है ना उसमें? ये लेदर का पर्स है और बहुत ही अच्छा है क्वालिटी। ये हमने कुछ मम्मी पापा के लिए लिया था स्वेटर, तो पापा के लिए मैंने एक स्वेटर लिया है यहाँ पे जो मेड इन टर्की है। और ये भी एक मम्मी के लिए स्वेटर लिया है जो ऊन से हैंडमेड है, लूम से बना हुआ है। ये बहुत ही ऑसम क्वालिटी है इसका, साथ में इसके साथ एक कैप भी है, तो मम्मी को बहुत ही पसंद आएगा ये। तो ये स्वेटर मैंने लिया है मम्मी के लिए, और एक स्वेटर लिया है पापा के लिए, जो यहाँ पे ठंडी की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है, बहुत क्वालिटी। तो ये हमने अपने सिस्टर के लिए लिया है, एक लेदर का ट्रैक पैंट है जो लेदर और इसका है, बहुत ही अच्छा ये। और एक शॉर्ट जीन्स है, उसे शॉर्ट जीन्स बहुत पसंद है, तो एक शॉर्ट जीन्स लिया हमने उसके लिए। और एक नाइट ट्रैक पैंट लिया है जो मखमल का है, सो ये हमने सिस्टर के लिए लिया है। सो ये मैंने मेरे भांजे के लिए एक जीन्स और एक शर्ट लिया है, जो शर्ट बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और ये मैंने भांजी के लिए एक जीन्स लिया है, उसका टॉप नहीं लिया क्योंकि उसके टॉप का साइज़ हमें पता नहीं है, तो मे बी इंडिया में अगर हमें मिले अच्छा टॉप तो हम उसके लिए ले लेंगे। यहाँ पे वैसे भी टॉप बहुत फुल होता है, लेकिन लड़कियों के तो उसे पसंद भी नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने सोचा कि वहीं पे ले लेंगे। सो क्या है? ये मैंने पापा के लिए घड़ी खरीदी है। उनके फ्रेंड्स बहुत सारे पहले जो सऊदी आते थे उन लोग अपने लिए उनके लिए घड़ी लाते थे, तो मैंने सोचा मैं भी इस बार लेके जाऊँ उनके लिए घड़ी। तो ये घड़ी मैंने लिया है पापा के लिए। और ये अचारी गोश्त मसाला है जो अपने इंडिया में ये शान का नहीं मिलता है, ये एक्चुअली पाकिस्तान का है। मैंने बहुत रेसिपी बनाई है यहाँ पर, तो मैं सीख गया हूँ,
मैं सोचा घर वालों को बना के खिलाऊंगा। कुछ चॉकलेट्स लिए हैं, लगभग 2-2.5 किलो है। दिखाओ खोल के। खोल कैसे दिखाऊंगा उसको, पैक किया है हमने सबको देने के लिए, आधा आधे किलो के हैं। मल्टीपल मिक्स चॉकलेट हैं, मिल्क और चॉकलेट वाले, तो ये मैंने ऐसे ले लिए सबको। बच्चे आएंगे परी के बर्थडे में तो उनको देने के लिए काम आएगा। इसके अलावा ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो मुझे नहीं हो रहे हैं अब। क्यों, वो भी बताइए। क्योंकि आप मोटे हो गए हो। क्योंकि मैं जब आया था तब मेरी कमर 32 थी, अब वो 34 प्लस हो चुकी है, थैंक्स टू मैडम, इन्होंने खाना अच्छा बना के खिलाया है। तो अब ये जीन्स और शर्ट्स मुझे हो नहीं रहे हैं, तो फिर मैं ले जाके इंडिया में अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के छोटे लड़कों को दे दूंगा जिसको ये हो सके। अननेसेसरी यहाँ पे फेंकना नहीं चाहता। नेली इनकी पैकिंग हो गई है। ये टोटल एक बैग है सिर्फ देने के लिए। हाँ बेटू तू, हाँ मिलेगा तुम्हें भी, तुम्हारा ही बैग है। इसको एक बार वेट कर लीजिएगा ना कितना हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल पैक कर लेते हैं फिर वेट कर। नहीं वेट करेंगे तो कुछ आइडिया आ जाएगा ना उसमें और कितना रखना है, या एक्स्ट्रा निकालना भी पड़ सकता है। 20 kg का रखिएगा इसको। ठीक, हाँ बेटू रुक जाओ, पापा वजन कर रहे हैं इसका। सो गाइस, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा, और फ्यूचर ट्रैवलिंग और फैमिली से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।